हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, आज का विषय है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो रिव्यू करते हैं, रिव्यू जिस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं उसके बाद में उसका पोस्ट डालते हैं कि बहुत अच्छा है, बुरा है, कैसे है। मैंने सोचा कि कुछ ऐसे रिव्यू होने चाहिए कि जिसके बारे में लोग जान सकें और कुछ अच्छा हो सके। उसमें क्या मैंने पिक किया है, मेरा आज का सब्जेक्ट है कि घर में क्या है कि कुछ दीमक हो गए थे। एक पेस्ट विजिल कंपनी है, पेस्ट विजिल, ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। मैंने इससे कुछ सर्विसेज ली। होता क्या है मित्रों कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड तो हो ही रहे हैं, उसके अलावा जो है ऑफलाइन फ्रॉड भी लोग कर रहे हैं। खैर, जब तक सर्विसेज नहीं ली वो लोग फॉलोअप करते रहे, फॉलोअप पे फॉलोअप करते रहे और सेम डे ही उसको उन्होंने क्लोज करने की कोशिश की। जो भी रेट थी बार्गेनिंग किया, आए, काम किया और काम करने के बाद में काम ऐसा रहा कि 4 दिन बाद फिर उनको वापस बुलाना पड़ा। जब तक कोई काम नहीं कर लेते हैं तब तक वो ये गारंटी लेंगे कि आपको गारंटी, उनके साइट पे भी लिखा होता है गारंटी 2 साल की। जब आपको रिसीट देते हैं तो उसमें लिखते हैं फुलफिल्ड बाई, टू बी फुलफिल्ड बाई। जब आप फॉलोअप करेंगे तो कहते हैं कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बंदा आपके यहाँ जाता है। खैर, इसमें क्या है उस पर हम नहीं जाते हैं। कंपनी हो सकता है मेडिसिन देती हो, जो सेकंड पर्सन आपके यहाँ आता है वो उसमें पानी दबा के घोलता है। पानी इतना घोल देगा कि आपकी मात्रा पूरी हो जाएगी और वही दवा वो कहीं और अन्यत्र यूज़ कर लेगा। कुछ चीज़ें वो मालिक को बताता होगा, नहीं बताता होगा, जो भी है वो उसका खुद का है। लेकिन मित्रों, कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी किसी सर्विसेज लेते समय, अब इसमें क्या होता है कि कहीं आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, उनसे बोलिए कि मुझे सर्विसेज लेनी है। आपको बोलेंगे 2 महीने में मैं विजिट कराऊंगा, 3 महीने आपको छिड़काव कराऊंगा, इसके साथ में ये सुविधा फ्री होगी और आप साल भर के बाद में कभी भी बुला सकते हैं। लेकिन जब एक बार आप सर्विसेज ले लेंगे उसके बाद में अगर आप कोशिश करेंगे तो, जैसे मैं पेस्ट विजिल कंपनी का रिव्यू बता रहा हूँ, वो कभी आने का नाम तक नहीं लेंगे। जब उनको फॉलोअप करेंगे, आप मेल करेंगे, कोशिश करेंगे तो फिर आनाकानी करेंगे। ऐसे मेरे यहाँ हुआ, मैंने 3-4 बार बुलाया, 2-3 बार आया, पानी भरा, दबा दबा के पानी भर के काम किया। अभी रिसेंटली भी कुछ काम पड़ा, मैंने उसको बुलाने की कोशिश की, आ नहीं जाता। हमने कहा अच्छा ऐसा हो कि कुछ इंसेक्ट्स हैं जो है इनको भी इलाज करना है, कॉकरोच हैं, कीड़े मकोड़े और हो गए हैं। वो बंदा आया, बोला कि इतना पैसा इंसेक्ट से अलग से लेंगे। हमने कहा ठीक है भैया, उसी बहाने आया, उसने किया, उसने ऐसा काम किया कि और काम बढ़ा दिया। जब काम बढ़ा दिया तो भाई अब काम कराना है, उसने ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग, वो ड्रिलिंग ऐसे कर दी कि पानी का पाइप ही टूट गया। अब पाइप, पानी का पाइप टूट जाने का मतलब आप समझते हैं, प्लम्बर बुलवाओ, पाइप लगवाओ, एन तेन और सब कुछ करते हुए उसने अपना काम किया और फिर गया। उसने क्या काम किया, पाइप तोड़ी अलग से, काम इतना पानी भर के डाल दिया, इतना पानी डाल दिया उसने कि कीड़े छोड़ दो, उसकी महक तक नहीं आई और किसी को पता तक नहीं चला कि मेडिसिन पड़ा है। बोला ये ऐसी दवा है कि इसको पता भी नहीं चलेगा और सारे कीड़े मकोड़े भी भाग जाएंगे। हमने कहा तो बहुत सुंदर दवा है, लेकिन पानी उसने दवा की मात्रा में डाली, कौन सी दवा डाली ये वो जाने या ऊपर वाला जाने। तो उस बंदे की इतनी घटिया सर्विसेज थी, अब घटिया नहीं कहेंगे तो चीपेस्ट कहें हम। तो यही होता है ऑनलाइन आप सर्विसेज जब यूज़ करते हैं, जब तक आप सर्विसेज ले नहीं लेते हैं तब तक ये दुनिया भर का बताते हैं। सर्विसेज जब आप ले लेते हैं उसके बाद में फॉलोअप ही करना होता है आपको। कोई भी सर्विसेज लेते समय आप लोग इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें। कभी कभी हम लोग होता है घर का सामान बेचते समय ओएलएक्स पे डाल देते हैं। ओएलएक्स पे डालते ही क्या होता है, हमारे पास में फ़ोन आता है, फ़ोन आता है, उसके बाद में होता क्या है, वो कहते हैं कि मैं आपको, अब दूसरों को क्या बताऊं, मैं एक पुरानी घटना है मेरे, मैंने एक ओएलएक्स पे बेड डाला और बेड डाला उसके 5 सेकंड में ही मेरे पास में एक फ़ोन आता है कि सर ये बेड आपने इतने का डाला है। हमने कहा जी, कह रहे ठीक है, ये बेड आपका मुझे अच्छा लगता है और ये डील पक्की, जितना अमाउंट मैंने डाला था उतने पे डील उसने तुरंत पक्की कर दी। बोला सर अब खाता नंबर आप बताइए। हमने कहा खाता नंबर ये है, आप खाता में पैसा डाल दीजिए। होता क्या है कि वो खाते में पैसा डालने के बजाय एक स्कैन कोड भेजता है, बोलता है सर आप इसको स्कैन करिएगा और अमाउंट डालिएगा, जो अमाउंट आप डालेंगे उतना अमाउंट आपके खाते में आ जाएगा।
मित्रों, ये सोचने वाली बात है कि पैसा मुझे पाना है, मुझे देना नहीं है। अब अगर इस सिचुएशन में जब पैसा मुझे पाना है तो फिर मैं स्कैन क्यों करूं? वो करते क्या हैं कि उसमें कैसी फैसिलिटी लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं, आपको पहले 100, 200 या 2 रुपये, 4 रुपये से शुरुआत करेंगे। आप उसमें देखेंगे कि आपका वो 2 रुपये स्कैन करने पर आपके खाते में आ गया। अब आपको ट्रस्ट बढ़ जाता है और ट्रस्ट बढ़ने के बाद में आप जो भी अमाउंट होता है छोटा बड़ा, आप उसको डालने की कोशिश करते हैं। उसको डालने की कोशिश जैसे ही आप करेंगे, आपका सारा पैसा आपके खाते से निकल जाएगा। अब आप परेशान होते रहिए और इधर उधर भटकते रहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कहीं भी किसी भी सर्विसेज को यूज़ करते समय उसको जांच पर रख लें, और जब भी आप यूज़ करें, वैसे कभी भी किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। आप अपने कोई भी पर्सनल डिटेल्स आप शेयर ना करें। कुछ लोग होते हैं कार्ड नंबर मांगेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे, कार्ड पे ओटीपी आएगा, ओटीपी मांगेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही अपील होगी कि आप लोग कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की अपनी पर्सनल डिटेल्स, कोई कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, कोई भी डिटेल्स शेयर ना करें। और शेयर करते समय अगर शेयर भी कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए कि आप उसमें ओटीपी चीज़ का, क्योंकि अगर आपके खाते में कोई पैसा भेजेगा तो ओटीपी देने की ज़रूरत नहीं है। आपके खाते से जब पैसा लेगा तभी ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है, आपके खाते से जब पैसा निकालेगा तभी कार्ड के डिटेल की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पैसा देते समय पड़ती है, ना कि लेते समय। तो लेते समय आपको अगर कहना है तो आप साफ साफ मना कर दीजिए कि ये डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। ये मेरी जो जानकारी है, अपनी खुद की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। और मैंने कहा पेस्ट विजिल की जो कंपनी है, उस पेस्ट विजिल में जब भी आप सर्विसेज लें, क्योंकि अगर आप एक गूगल पे नंबर पर उठा के कॉल करके देख लीजिए वो आपको क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या ऑफ़र कर देंगे, फिर आप उसके बाद में भटकते रहिए, लिखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप कोशिश ये करिए कि भैया गारंटी तो गारंटी है, आप मेरे यहाँ जब पहली बार दवा डालें तो ये क्वांटिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरे बार की बात तो बाद में छोड़ दीजिए, क्योंकि वो क्या करते हैं पानी दबा के भर के डाल देते हैं। तो मित्रों, ज़्यादा बात ना करते हुए इसको यहीं पे हम विराम देते हैं, और कोशिश हमारा यही होगा कि बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं अपने पास में, उन जानकारियों को अपने पास तक ही सीमित रखें। कभी कभी जानकारियाँ शेयर करना भी नुकसानदायक होता है, तो आप लोग अपनी जानकारी अपने पास रखिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि कभी भी कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था आपसे पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगती है कि आप कार्ड डिटेल दे दीजिए, आप ओटीपी डिटेल दे दीजिए, अपना पासवर्ड दे दीजिए, अपना आईडी दे दीजिए। तो ये सब बातें जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखिए, क्योंकि इससे आजकल फ्रॉड के चांसेस बहुत हो गए हैं, फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये मेरा मानना है। बाकी मैंने जैसा बताया कि पेस्ट विजिल जैसी कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, किसी भी सर्विसेज लेते समय भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। अब जब मैंने जो सर्विसेज ली बताया, मैंने जो बंदा आया था उसको बुलाया था, उसने अपनी खुद की कंपनी बना रखी है, वो बताया कि मैं कॉकरोच और मच्छर मारने की और दीमक भगाने की गारंटी लेता हूँ। उसने भी लिया, उसने भी पर्ची काट कर गया, और पर्ची काटने के 4 दिन बाद तक नहीं चला। तो फिर आप ऐसे लोगों से, जो नक्कालों कहते नहीं है, कहीं कहीं आता है प्रचार, नक्कालों से सावधान। तो कृपया सावधान रहें, किसी भी कार्य में, किसी भी सर्विसेज को लेते समय 4 बार सोचें जरूर, सोचने के बाद में ही किसी भी सेवा का अवसर लें। सादर धन्यवाद आप लोगों से, प्रणाम।